तुम्हें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्य सचिव सुधांश पंत भी काफी एक्टिव नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान और प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान को लेकर अपने विचार रखे, साथ ही हरियाणा राजस्थान को लेकर सरकार की तैयारियों की जानकारी साझा की। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। देखिए, मुख्य सचिव सुधांश पंत खुद यहाँ पहुंच चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपको तीज की और वन महोत्सव की बहुत बधाई। किस तरह से पूरा प्रोग्राम रहना है सर, और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम का कॉल दिया पूरे देश के लिए, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसी के अंतर्गत हरियाणा राजस्थान, जिसके तहत 7 करोड़ पौधे लगाने हैं, उसका एक विजन दिया है। आज हरियाली तीज के अवसर पर उसी हरियाणा राजस्थान के तहत पूरे प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य है, और बड़ा अच्छा सहयोग है। वर्षा भी हो रही है और तीज का अवसर भी है और पौधे भी लग रहे हैं। सभी से आपके माध्यम से यही निवेदन है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया और जो मुख्यमंत्री जी ने विजन दिया है, सभी नागरिक भी यथासंभव इस महीने में, अगले महीने में, जहाँ पर भी उनको स्थान मिलता है, आप सभी अगर पौधे लगाएं और उसको कुछ सालों तक उसकी देखभाल करके उसको बचाएं, तो राजस्थान के लॉन्ग टर्म विकास के लिए वो बहुत शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा कई तरीके से। तो यही निवेदन। सर, राज्य सरकार की भागीदारी भविष्य में किस तरह की रहने वाली है नए नवाचार वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर, क्योंकि कोरोना के बाद जो स्थिति देखी, लोग एक एक सांस को तरस रहे थे सर, लेकिन आज वन आवरण बढ़ाने की बात है जैसे बजट में भी घोषणा की गई, और तमाम किस तरह के नवाचार देखने को मिलेंगे ताकि ग्रीन ग्रोथ का जो सपना है उसको साकार किया जा सके, ग्रीन कवर को बढ़ाया जा सके? देखिए, बजट में ही एक ग्रीन बजट, ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात कही गई है। उसके अंतर्गत कई तरह की गतिविधियाँ होंगी, तो जिसमें पहले आज जो कार्यक्रम है ये है इस तरह की। आप देखेंगे साल भर में और आने वाले कई सालों में जो मुख्यमंत्री जी का विजन है उसके अंतर्गत कई चीज़ें होंगी, तो अभी देखते रहिए, अभी तो बहुत कार्यक्रम। बहुत शुभकामना सर, बहुत धन्यवाद। आप हैं सुधांश पंत साहब, ब्यूरोक्रेसी के आप मुखिया हैं, आप मुख्य सचिव हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि खुद प्रधानमंत्री का एक सपना है कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान उन्होंने चलाया, प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हुई, और खास बात यह है कि आज 1 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य था वो उससे कहीं ज़्यादा पौधे अब तक लग चुके हैं। शाम तक ये संख्या 2 करोड़ के आसपास हो सकती है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश का ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए जिस तरह का पूरा जंगलात महकमा प्रयास कर रहा है, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ है, और जो सरकार की मंशा है वो जल्द पूरी भी होगी और आमजन इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित भी करेगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।